गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई अभी उठा हूँ, दिख रहा होगा बनियान वगैरह पहन रखी है भाई। सुबह के 6 बजे रखे हैं और अभी उठा हूँ, मुंह धोया है बस। एंड वी हैव अ ग्रेट न्यूज़, आज बहुत अच्छा दिन है। दिखाता आपको, डायरेक्ट दिखाई दे, ये चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। टेस्ट दिया था इसने 9 जुलाई को एंड अब रिजल्ट आ चुका है। लिसनिंग में 7, रीडिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6, राइटिंग में 6 एंड ओवरऑल ही गॉट 6.5। खुश क्यों हूँ इसके रिजल्ट से, आप यूँ सोचते होगे भाई, मैंने इसको सिखाया था, मैंने इसको पढ़ाया था सारा, ठीक है। इसने भी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली एंड ही इज़ माई फ्रेंड, सो सारी इसकी मैंने कराई है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि भाई ही डिड इट। और भाई मैंने आप लोगों के लिए भी अपना आइल्स के बारे में डाल रखी बहुत सारी वीडियोज़, आप वहाँ जाके अपनी हेल्प ले सकते हो। सो इट्स अ बिग डे एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर रनिंग भाई, शुरू कर रहा हूँ मैं अब आज से, ठीक है। सो चलो चलते हैं, वी आर रेडी फाइनली एंड लेट्स गो। वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन, हमें जाना सामने झज्जर की साइड और बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, लेट्स जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। वी हैव फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड दिखाता हूँ आपको, हमारा है ये चिड़ी गोइंग का स्कूल, ठीक है। और ये हमारा ट्रैक आ गया, दिस इज़ आवर रनिंग ट्रैक और वहाँ से आगे से एंट्री है, वहाँ जाके पहुँचते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर रनिंग। भाई लोग बहुत कम आ रखे, एक ही मिला मेरे को बस। चलो चलते लोकेशन पे एंड दिखाता हमारा ट्रैक। और एक बार सोच के बताए कितना बड़ा हमारा, एक 1.2 किलोमीटर से यानी 1200 मीटर का ट्रैक है ये एंड देखते कितने राउंड लगते हैं। ये तो आप देख लो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, एक ही राउंड आप पसीने देखना। चलो शुरू करते हैं एंड सी यू आफ्टर रनिंग, फिर आपको पसीने दिखाऊंगा एग्जैक्टली कितने आए। उसकी ट्रैक की लंबाई समझ में नहीं आ रही है पर आप जहाँ तक देखोगे ना आपको इसकी एंडिंग नहीं दिखेगी, बहुत ज़्यादा इतना लगा रखा है कि भाई 3-4 राउंड ले लेंगे, 4 राउंड में हो जाएगा हमारा कितने किलोमीटर, 1200 × 4। आई एम वेरी वीक एट मैथ्स बट ये तो कर ही सकते हैं। 4800 किलोमीटर्स यानी कि अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। सो आज के लिए बहुत है यार, पहले दिन के लिए, बाकी धूप हो रखी है यार, आज सुबह सुबह ही धूप होगी। चलो करते हैं शुरू भाई, 3 राउंड के बीच में रुक गया, पसीने भी आ गए, थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज करते हैं फिर चलते हैं। एक बात और नोटिस करी मैंने, ट्रेडमिल पे ज़्यादा भागा जाता है और ट्रैक पे भाई बहुत कम भागा जाता है, आपको भी लगता है तो कमेंट में बताना। ट्रेडमिल पे जब मैं भागा करता, या तो शायद से टाइम की वजह से भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, पर 5 किलोमीटर बहुत आसानी से हो जाते हैं और यहाँ पे भाई पता ही चल जाता है, 2-3 किलोमीटर पे ही समझ में आ जाती है रनिंग कितनी मुश्किल है। जिम भाई बहुत आसान है बट भाई देखो जिम से क्या बनेंगे, बाइसेप्स बहुत है, थोड़ा पेट कम करना है, ठीक है, कटिंग करनी है। सो उसके लिए कार्डियो सबसे बेस्ट है, सो बस कार्डियो ही करने आ रहा हूँ, थक गए हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप भी कार्डियो कर रहे हो सो भाई उसमें स्प्रिंट मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अकेले रनिंग से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो डू योर स्प्रिंट्स, ओके। अब मैं भी अब स्प्रिंट मारूँगा और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन हो गई, आखिरी रह रहा है अपना स्प्रिंट का, फिर अपना निकलते हैं भाई। ज़्यादा ही तेज़ आ गई है, बाकी हम पहुँच गए अपने ट्रैक के बिल्कुल लास्ट पे, बस ये राउंड पूरा करना है ये वाली स्प्रिंट, जाके दिखाऊंगा भाई एक के बारे में, उस वाले एंड तक पहुँचते हैं फिर दिखाऊंगा। फाइनली एंड पे आ चुके ये रहा गेट और स्प्रिंट कर चुका हूँ पूरा एक राउंड यानी 1200 मीटर, हर 100 मीटर की स्प्रिंट थी। सो मैंने टोटल मारी 4 स्प्रिंट एंड बीच बीच में थोड़ी बहुत गैप लिया एंड भाई पसीने देख लो अगर दिख रहा हो तो पूरे भीग चुके हैं एंड नाउ लेट्स गो बैक टू होम। एंड भाई एक चीज़ देखो, जब हम रनिंग करते जब कितनी ज़्यादा धूप थी और अब देख लो भाई कहीं पे भी बिल्कुल भी धूप नहीं है, सारी साफ़ होगी भाई, बिल्कुल एक नंबर का मौसम हो रखा है पर जब ज़रूरत थी तब तो हो ही नहीं, कोई नहीं, अब एक बार घर आ गए तो अपना पसीने वसीने सुखा के नहाते धोते खाना खाते हैं एंड देन भाई 3-4 काम है उन्हें पूरा करेंगे। तो भाई फाइनली ना दो के ऑल सेट एंड अब निकल रहे हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है भाई स्कूटी पंचर हो रखी है, सो उसका पंचर ठीक कराते हैं, चाबी ले लिए, चलो चलते आ गए हैं।
फुल सी होगी क्योंकि और इसमें पिछले वाले टायर को पंचर हो रखा है। तो चलते हैं अभी ले चेक करा देते हैं क्या लग गया भाई। पिंपल सा हो गया यार, हर बार ही हो जाता है। फेस अपना अच्छा वाला साफ रहता है, थोड़ी देर फिर से पिंपल हो जाता है। चलो कोई नहीं, निपटाते ही वाला काम, फिर अगले वाले में चलते हैं। दूसरा काम है इसके एक साइड मिरर टूट रहा है, वो लगवाएंगे। एक साइड मिरर उसका गिर गया था, वो लगवाएंगे। और भाई इसकी सर्विस, तीनों काम स्कूटी से रिलेटेड है, तभी स्कूटी पे आया था। सो इसके तीनों काम, इसका पंचर हमने ठीक कराना शुरू कर दिया है, भाई कर रहा है। तीसरा और तीसरा दोनों काम हम एक ही जगह से करा रहे हैं, सर्विस सेंटर पे आ गए। मैं दिखा दूँगा टी वी एस अंदर अपने, मैंने अपनी स्कूटी दिखाता हूँ। सो ये बता रहे हैं इनके पास ही साइड मिरर मिल जाएगा तो इन्हीं से करवा लेंगे। और पंचर भाई तीन मिले स्कूटी में, तो तीनों करवाए हैं एंड अब स्कूटी भी सर्विस हो रही है। स्कूटी को उन्होंने और अपना सर्विसिंग चल दिया। हल्की फुल्की दो ही चार चीज़ें बदलती है स्कूटी में, तो इतना क्या होता है। इंजन ऑयल होता है, ब्रेक पैड वगैरह कुछ बदलेंगे, लाइक दोनों डिस्क है तो। और हॉर्न वगैरह चेक कर रहे हैं, सो करवाते हैं और बता रहे हैं अराउंड डेढ़ घंटा लगेगा। सो इतने वेट करते हैं और फिर लेट्स सी भाई। तो भाई अपनी स्कूटी की सर्विसिंग शुरू हो चुकी है पूरी, और भाई देख लो सब कुछ खोल दिया इन्होंने। एंड लेट्स सी भाई क्या कुछ करता है ये, भाई देख ही रहे हम। सो भाई अपनी स्कूटी की सर्विस हो चुकी है एंड भाई वॉशिंग वगैरह सब डन। सो अब भाई पेपर वर्क निपटाते हैं एंड फिर चलते हैं घर पे। फाइनली घर आ चुके हैं एंड तो आपको दिखा दो स्कूटी का खड़ी अंदर आने से पहले। देखो वो कवर ढक दिया मैंने और अब घर पहुँचे हैं। सो थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं यार, थक गया भाई। और तो कोई टास्क नहीं, अब तो भाई बैठ के सोना ही है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड भाई इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।